सो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विदेशी ट्रेवलर, और अभी मैं चला हूँ एक नए देश की ओर। सुबह सुबह का टाइम है, पूरा खाली पड़ा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला मुझे यहाँ पे। सो अभी मैंने क्या किया है, मैंने अपना सबसे पहले तो चेक इन बैगेज था वो ड्रॉप किया, और वहीं से मैंने लिए बोर्डिंग पास। और इस फ्लाइट के अंदर मेरा एक वन स्टॉप है, तो मेरे को उसी टाइम पे दो बोर्डिंग पास है वो मिल चुके हैं, एक आगे का एक यहाँ के लिए। और साथ में मुझे जो चेक इन बैगेज ड्रॉप किया था उसका भी पास मिल गया है। इन सेफली मतलब रखना होता है साथ में। और उसके बाद में मैंने किया इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के जस्ट बाद में मैंने कंप्लीट किया सिक्योरिटी, जो प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं आ चुका हूँ दिल्ली ड्यूटी फ्री के जस्ट बाहर, और अभी ड्यूटी फ्री को चेक करेंगे, उसके बाद में आगे का सीन आपको दिखाते हैं। और अभी मैंने ले लिया है ड्यूटी फ्री से सामान, मेरे एक फ्रेंड ने जो रेकविक में रहता है उसने मंगवाया है, और वो मुझे बदले में करेंसी भी दे देगा वहाँ की। तो मेरे जो चार्जेस हैं करेंसी कन्वर्टर के वो बच जाएंगे। मुझे जाना है गेट नंबर 14 पे। दोस्तों ये है फिनेयर, तो सीट हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और इसके अंदर यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पे एयरफोन लगा सकते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे आप एयरफोन, और ये ऊपर नीचे हो जाता है, और हमें मिला है एक पिलो मिला है, और साथ में एक ब्लैंकेट भी मिल गया है, पानी की बोतल भी मिल गई है, स्क्रीन, तो इसमें हमें सब कुछ मिल गया है। इसमें एक नई चीज़ है वो ये है कि अभी लगा हुआ है, तो फ्लाइट के आगे कैमरा लगा हुआ है, तो हम चेकआउट कर सकते हैं, स्पीड चेक कर सकते हैं, रूट चेक कर सकते हैं कि कौन से रूट से जाएगी। तो कुल मिला के अभी तक का तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। गाइज, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम जैसे फिनेयर के अंदर बियर मिलती है मस्त, और वाइन भी मिलती है, रेड वाइन और वाइट वाइन। सो काफ़ी लोगों ने तो माहौल बना रखा था, घर से नमकीन वगैरह चखना वगैरह लेके आए हुए थे। तो उसमें क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब वो देने आए तो उसी टाइम आपको 10 मिनट का टाइम है, उसी टाइम आपको जितनी बियर लेनी है, जितनी वाइन लेनी है आपको उसी टाइम लेनी है। अदरवाइज़ फिर बाद में अगर आप लेंगे तो फिर आपको पे करके फिर लेना पड़ेगा। बाकी सब बढ़िया था, ऑल
बाकी अगर बात करें अपने फूड की, फूड भी अच्छा था, एवरीथिंग वाज फाइन। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं हेलसिंकी और यहां पे मुझे चेंज करनी है फ़्लाइट। जस्ट 40 मिनट का टाइम है मेरे पास और मुझे फटाफट दूसरी फ़्लाइट लेनी है और उसके बाद में रेकेविक मैं पहुंच जाऊंगा और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, दिखाता हूं सब। फ़िलहाल तो अभी आप मेरे बैक साइड में हेलसिंकी का एयरपोर्ट है वो देख सकते हैं और यहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है। सो अभी आप मुझे विंटर क्लॉथ्स में ही देखेंगे। दोस्तों, अभी ये था एक छोटा सा लेओवर और ये हेलसिंकी में था। तो यहाँ पे जैसे हम फ्लाइट से बाहर आते हैं तो आते ही सबसे पहले हमारे को अपना लगेज वगैरह है वो चेक करवाना होता है, एक तरीके से सिक्योरिटी थोड़ा सा प्रोसेस है। आफ्टर दैट हमें जाना होता है पासपोर्ट कंट्रोल पे, वहाँ पे हमें अपना पासपोर्ट चेक करवाना होता है और वहाँ पे स्टैंप लगता है और वो इमिग्रेशन वाले थोड़े से मतलब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं आपसे कि क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब, कितने दिन के लिए जा रहे हो। और उसके बाद में हमें आना है जहाँ पे बोर्डिंग पास स्कैन होता है और फ्लाइट में एंट्री करते हैं। तो अभी मैं करने वाला हूँ एंट्री। सो अब हम मिलते हैं अगले शहर में और अगला सिटी है रेकेविक जो आइसलैंड में, आइसलैंड की कैपिटल है। हेलो, वेलकम ऑन बोर्ड सर। थैंक यू। सो फाइनली आइसलैंड पहुंच चुके हैं। सो अभी मैंने बैग ले लिया है अपना और अभी बाहर निकल रहे हैं, करेंसी लेते हैं। बस और मैं ले रहा हूँ फ्लाई बस से। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे हमने एग्जिट किया तो जस्ट बाहर आते ही मैंने यहाँ पे फ्लाई बस का लगा हुआ है बोर्ड और यहाँ पे से मैंने ले लिया बस की टिकट और 35.22 USD मुझे पड़ा है और यहाँ पे मैंने कार्ड से पेमेंट की है। तो अभी आउटसाइड मुझे जाना है और वहाँ से मुझे लेनी है बस फॉर रेकेविक। एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही हमने बैगेज लिया तो बैगेज लेने से पहले भी हमें कस्टम क्लियरेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही बाद में पड़ी, डायरेक्ट यहाँ पे बाहर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी हेलसिंकी में, फिनलैंड में, वो यूरोप का पार्ट था तो हम वहाँ पर ऑलरेडी कस्टम क्लियरेंस करवा चुके हैं तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी।
सो एयरपोर्ट से निकलते ही राइट साइड में हमें मिल गई है बस, फ्लाइट बस। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल में, और जहाँ पे ये वाला मेरा है बेड, और यहाँ पे मुझे मिल गया है लॉकर। यहाँ पे लॉक नहीं है, लेकिन मैं लॉक साथ में लेके आया हूँ, तो लॉक लगा दूँगा। सो ये है मेरा हॉस्टल, जिसमें और भी बेड हैं, बाकी अभी खाली हैं, कोई है नहीं। मिलते हैं अगली नई एक्साइटिंग वीडियो में। सी यू।